पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा पाकिस्तान की शव यात्रा काशीराम नगर गेट से प्रकाश नगर चौराहे तक निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ता मौजूद रहे तथा मुख्य अतिथि के रूप में प्राशु जोशी प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा भी मौजूद रहे। पाकिस्तान की शव यात्रा निकालते समय पाकिस्तान मुर्दाबाद हिंदुस्तान जिंदाबाद हमारे वीर सैनिक अमर रहे के नारे लगाए गए तथा अमर शहीद जवानों की याद में 2 मिनट का मौन भी रखा गया। पाकिस्तान की शव यात्रा निकालते समय प्राशु जोशी ने अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में जोश भरते समय आह्वान किया कि अब पाकिस्तान के साथ शांति से वार्ता करने का समय चला गया है, अपने देश के जवानों को और शहीद होने नहीं दिया जाएगा। यदि चुनाव का वर्ष होने के कारण पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को कोई दिक्कत आ रही है तो चुनाव स्थगित कर दिया जाए, परंतु अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का सही समय आ गया है। साथ ही प्राशु जोशी ने कहा कि अगर अब भी 56 इंच के सीने की ताकत नहीं दिखाई गई तो ऐसा सीना होने से कोई फायदा नहीं। देश के अंदर इस समय गुस्सा है और यदि मोदी जी समय रहते पाकिस्तान के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी खतरे में पड़ सकती है। मुख्य रूप से शिव दयाल, अतुल वर्मा, शिवा गुप्ता, ठाकुर विजय, राजराम, निहाल सक्सेना, जयराम सैनी, हैप्पी, अतुल वाल्मीकि, लक्की जोशी, विकास शर्मा, आदेश सोनू, दिनेश कश्यप, ठाकुर शेखर आदि लोग भारी संख्या में शव यात्रा में मौजूद रहे। हमने पाकिस्तान का पुतला जलाया है और विरोध प्रदर्शन किए। हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी से निवेदन करते हैं कि हमें ना तो विकास चाहिए, ना हमें स्वच्छता का अभियान चाहिए, ना हमें चुनाव चाहिए। अब उससे पहले पाकिस्तान का सर्वनाश चाहिए।